सबसे पहले एक बड़ी जानकारी मिल रही है श्रावस्ती से, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। श्रावस्ती में भीषण आग लगी है। बड़ी खबर आपको बता दें, भीषण आग से 2 दर्जन घर जलकर खाक हो गए हैं। स्प्लेंडर पटने से विकराल ये आग हो गई। सूचना के बाद भी दमकल की टीम मौके पर नहीं पहुंची। तो ये इकोना थाना क्षेत्र के लोनियन पुरवा इटौंझा गांव की घटना है। मिथिलेश पाठक फोन लाइन पर है संवाददाता। मिथिलेश, क्या अपडेट है फिलहाल आग को लेकर? पराजी बताना चाहूंगा, श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकोना इलाके का एक पूरा मामला है, जहां पर आग ने अपना रूप दिखाया और देखते ही देखते पूरा गांव आग की चपेट में आ गया। यहां पर लगभग 2 दर्जन घर जलकर राख हुए हैं। दमकल विभाग को जब इसकी सूचना दी गई तो मौके पर दमकल विभाग की टीम नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने यहां पर कड़ी मशक्कत की है। जो ग्रामीणों ने मिसाल पेश की है वो देखने लायक बात है, क्योंकि यहां पर सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण एकत्रित हुए हैं और पूरे गांव पर जो आग लगी थी, जो आपदा आई थी, उसमें अपना सहयोग दिया है और आग पर काबू भी पा लिया है। लगभग 80% आग पर काबू पा लिया गया है और यहां पर बड़ा नुकसान सामने आया है। हालांकि अब उप जिला अधिकारी इकोना पहुंच गए हैं राजस्व विभाग की टीम के साथ और क्षति का आकलन किया जा रहा है। जी लेकिन मिथिलेश, गांव के लोगों ने आग को बुझाया, दमकल की गाड़ी क्यों नहीं पहुंची? कुछ कारण बस पता चल रहा है कि दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो आज जिला मुख्यालय पर गई हैं, जिसके चलते यहां लगभग दूरी उसकी 55 किलोमीटर हो जाती है, वो नहीं पहुंच पाई हैं। हालांकि दमकल विभाग को लगातार ग्रामीण फोन करते रह गए, लेकिन दमकल विभाग की टीम नहीं पहुंची है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया है और अभी भी यहां पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कई घरों में अब भी पूरी तरह से आग लगी है। आग की चपेट में पूरा गांव है, ऐसे में कोई जानमाल का भी नुकसान हो सकता है, जो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि अभी इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है और ना ही कोई जानकारी हो पाई है कि कोई बच्चा या कोई जानवर इस अग्निकांड के दौरान कोई घर में न फंसा हो। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी और इस बातचीत के लिए।